यदि हम जीवन के हर एक पल को आनंद के साथ, विश्वास के साथ और सजगता के साथ जीना चाहते हैं तो ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम ना केवल जीना सीखते हैं बल्कि हम जिंदगी को अच्छे से जीना सीखते हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हेमलता एक बार फिर आप सभी के सामने नए वीडियो के साथ उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस हमारा अपने खुद के लिए एक परसेप्शन होता है जिसमें हमारा बिलीफ, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारा बिहेवियर, हमारा टॉकिंग सेंस, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। सेल्फ अवेयरनेस से हमें ये पता चलता है कि हम कैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे जो गोल्स हमने सेट किए हैं वो हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमने अचीव किया तो उसके पीछे एक रीज़न क्या था। हम कुल मिलाकर अपने आप को लेकर हमेशा कॉन्शियस होते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों की हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है, हमारे लिए क्या दृष्टिकोण है। तो सेल्फ अवेयरनेस को लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि हमें करना क्या है, और इससे हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, इससे हम मोटिवेटेड भी रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम अवेयरनेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, तो बहुत ही ईजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ऑब्जर्वेशन अच्छी रखें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ अपनी लाइफ को, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने प्रति ऑनेस्ट रहें, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप एम्पैथी डेवलप करें। कहने का मतलब है सामने वाले पर्सन को समझने के लिए अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखें, अगर मैं उस जगह पर होता तो मुझे कैसा लगता या कैसा मैं फील करती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। डिजिटल डिवाइस को कम यूज़ करें, उसकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए कि कितना मेरे लिए यूज़ करना सही है, कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है। उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि आप खुद से कनेक्ट हो, अपने आप से पूछें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और इससे किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे कोई और पर्सन तो हर्ट नहीं होगा, या इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे कुछ गलत तो नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सोच समझ कर डिसीजन लें और अपनी ज़िंदगी जीने के फिक्स पैटर्न को चेंज करें, लाइफ में कुछ नया इंक्लूड करें। इससे भी आप अवेयर होते हैं कि क्या मैं नई सिचुएशन में एडजस्ट कर पा रहा हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने पूरे दिन को एनालाइज करें। आज आप पूरे दिन में किस किस से मिले, किस किस से बात की, क्या क्या बात की, क्या आपने जो बिहेव किया वो सही था या आपने किसी के साथ गलत बिहेव किया, किस किस पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेव किया, आपको हर्ट किया। और उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि आपने आज कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम यूटिलाइज किया। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मेरे वीडियोस पे कंटिन्यू कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियोस के जो टॉपिक आपने मुझे शेयर किए हैं उसके लिए भी थैंक यू। वो टॉपिक बहुत ही अच्छे लगे मुझे, मैं जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।